देश भर में कोरोना संकट के चलते चौथा लॉकडाउन जारी है और पांचवें लॉकडाउन के लिए मंथन शुरू हो गया है। जी हां, खबर है कि 1 जून से देश भर में पांचवा लॉकडाउन किया जा सकता है, जिस पर आज बैठक रखी गई है। इस बैठक को केंद्रीय सचिव राजीव गौबा, सभी राज्यों के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव के साथ करेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि पांचवें लॉकडाउन में किन चीजों पर रोक लगाई जाए और किन को ढील दी जाए। इस बैठक में पहली बार प्रभावित महानगरों के नगर निगम कमिश्नर भी शामिल होंगे। दरअसल लॉकडाउन 5 को लेकर अभी कुछ साफ नहीं है, फिर भी खबर है कि लॉकडाउन 4 के खत्म होने के पहले ही लॉकडाउन 5 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। सूत्रों का कहना है कि मन की बात में पीएम मोदी बहुत कुछ साफ कर सकते हैं। वैसे देश के हालात देखकर साफ लगता है कि करीब 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ना तय है। ऐसा लगता है कि सरकार लोगों को ज्यादा छूट देकर उनकी जिंदगी और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबके लिए ये थोड़ा मुश्किल दिखता है क्योंकि कोरोना की ज्यादा मार झेल रहे इलाकों में राहत नहीं दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन 5 में 11 शहरों पर सख्ती जारी रहेगी। ये वो शहर हैं जहां कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है। आपको बता दें, जिन शहरों में पाबंदी रह सकती है वो हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, ठाणे, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, सूरत और कोलकाता। इन 11 शहरों में भारत में कुल कोरोना संक्रमित केस के 70% मामले मिले हैं, जबकि अहमदाबाद, दिल्ली, पुणे, कोलकाता और मुंबई में ये और खतरनाक है। यहां देश के कुल मरीजों के 60% लोग पाए गए हैं। बहरहाल सरकार लॉकडाउन 5 के बारे में सोच रही है। लॉकडाउन 5 में सरकार इन इलाकों में सख्ती बरकरार रखेगी, वहीं कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जोन में लोगों को शर्तों के साथ छूट दी जाएगी, लेकिन ये छूट भारी भरकम जिम्मेदारी के साथ ही मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली।